हाय एवरीवन, तो कैसे हैं सब कमेंट करके ज़रूर बताना। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में एप्पल ऑर्चर्ड और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स तो देख ही लिए थे, बट इसके अलावा मेरे पास कौन कौन से फ्रूट के ट्रीज़ है तो आज मैं आपको वो दिखाऊंगी। अभी मैं आ चुकी हूँ अपने नाशपाती यानी कि पियर के पेड़ के पास। अभी फ़िलहाल ये जो नाशपतियाँ हैं ये पकी नहीं हैं, इन्हें पकने में लगभग एक महीना तो लग ही जाएगा, बट जब वन मंथ के बाद ये पक जाएगी तो मैं इस पर एक सेपरेट ब्लॉग बना दूँगी। बाकी इसके अलावा मेरे पास जो पेड़ है वो है खमानी के, तो आइए मैं आपको उनको भी दिखाती हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ अपने खमानी के पेड़ के पास। तो इस बार बारिश की वजह से हम टाइम से खमानियाँ तोड़ नहीं पाए थे, बट फिलहाल आजकल हम तोड़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे गांव में काफ़ी हाइट रहती है तो जो ये खमानियाँ हैं थोड़ा लेट ही पकती है। और इसके साथ साथ जो ये खमानी की डिली होती है उनका तेल बनता है और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलता है। तो अब मैं आपको ले कर चलती हूँ अपने चेरी के ट्री दिखाने। आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये है चेरी का ट्री, बट मैं आपको चेरी तो दिखा नहीं सकती हूँ बिकॉज इसका सीज़न ओवर हो चुका है। बट अब जो नेक्स्ट मेरा ट्री है वो है वॉलनट का ट्री, तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ वॉलनट के ट्रीज़ की तरफ। आप लोगों ने ये वॉलनट का पेड़ तो देख ही लिया है, बाकी इसके साथ साथ मेरे हाथ में कुछ वॉलनट्स भी है जो कि पेड़ से गिरे हुए थे बारिश की वजह से। और वैसे अभी ये ना पके नहीं हैं, अभी इन्हें पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई होप आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय। कि इसके अंदर है एक गुटली।